नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल मार्केट विद्यालय में स्वागत है। आज हम फार्मा सेक्टर की एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करेंगे जिसका प्राइस सिर्फ 7 रुपये है, लेकिन आने वाले समय में यह आपके मल्टीबैगर के रूप में भी रिटर्न दिला सकता है। क्योंकि दोस्तों, ये कंपनी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस कंपनी के ऊपर 1 रुपये का भी कर्ज नहीं है, ये पूरी तरह से डेब्ट फ्री कंपनी है। दोस्तों, इस कंपनी का नाम है जैन फार्मासेक लिमिटेड, जो कि फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड वर्क करती है। आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, जैन फार्मासेक लिमिटेड कंपनी 1992 में एस्टेब्लिश्ड हुई थी। यह कंपनी तब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल सेक्टर पे वर्क करती थी, जैसे कि डाइज, पिगमेंट, ये सबसे रिलेटेड ये कंपनी वर्क करती थी। लेकिन इस कंपनी ने 2018 से अपना जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, उसे जो अपना बिजनेस है, उसे थोड़ा सा चेंज कर दिया और 2018 से ये कंपनी फार्मा सेक्टर में उतर गई। पहले ये कंपनी केमिकल सेक्टर में वर्क करती थी, लेकिन 2018 से इस कंपनी ने फार्मास्यूटिकल के सेक्टर में भी कदम रखा और यहाँ पे ये कंपनी फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट है उसे बाइंग सेलिंग करने लगा। मतलब हम कुल मिला के कहें तो ये कंपनी यहाँ पे ट्रेडिंग करने लगी इन टर्म्स ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। दोस्तों, इसके अलावा ये कंपनी जो अपने पोर्टफोलियो में है, 1-2% ये शेयर में भी ट्रेडिंग करती है। हालांकि इसका जो रेवेन्यू है वो बहुत नॉमिनल सा है, वो लगभग 1-2% के आसपास का है। दोस्तों, अगर हम इस कंपनी की एक खासियत की बारे में बात करें, ये कंपनी एबॉट के साथ भी टाई अप है। जो भी ये कंपनी एबॉट के लिए जो मेडिसिन रिक्वायरमेंट होता है, तो इनका ये मतलब जैन फार्मासेक कंपनी का अबॉट इंडिया के साथ भी टाई अप है। उनके मैक्सिमम जो प्रोडक्ट्स हैं ये फार्मासेक ही उनके लिए सप्लाई करती है। दोस्तों, अगर हम इनकी रेवेन्यू की बात करें तो लगभग 94% इनका रेवेन्यू ये फार्मास्यूटिकल से ही आता है। 1% यहाँ पे कमीशन से आता है और इसका 2% यहाँ पे जो शेयर से आता है, जो शेयर्स के भी ये ट्रेडिंग करती है। दोस्तों, आज के समय में ये कंपनी भले ही एक छोटी कंपनी है, हम इसे माइक्रो स्मॉल कैप की कंपनी भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका मार्केट कैप छोटा सा है। इसका मार्केट कैप लगभग 215 करोड़ के आसपास है। इसका मौजूदा भाव लगभग 7 रुपये चल रहा है। इसका 52 लो लगभग 5.5 रुपये का है और 52 हाई इसका लगभग 12 रुपये के ऊपर का है। आज के समय में ये कंपनी भले ही माइक्रो स्मॉल कैप की कंपनी है, लेकिन ऐसी कंपनी कल के दिन बड़ी कंपनी बनती है। दोस्तों देखिए, ये कंपनी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस कंपनी के ऊपर डेप्ट नहीं है, इस कंपनी के ऊपर कर्जा नहीं है। अक्सर हमने देखा है कि जो कंपनी के ऊपर कर्ज रहता है वो कंपनी प्रॉफिट तो जनरेट करती है, लेकिन प्रॉफिट का हिस्सा इंटरेस्ट उधारी का, डेप्ट का इंटरेस्ट देने में चला जाता है। तो उस तरह से ये कंपनी देखें तो इन टर्म्स ऑफ डेप्ट कंपनी पूरी तरह से सेफ है। अगर हम इस कंपनी की रिजल्ट्स की बात करेंगे ना, यहाँ भी आपको एक पॉजिटिवनेस चीज़ देखने को मिलेगी। ये कंपनी छोटी है, लेकिन ये कंपनी को प्रॉफिट कैसे जनरेट करना है आता है। 2019 में इस कंपनी ने लगभग 0.23 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया। उसके बाद इस कंपनी ने 2020 में 1.01 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया। फिर 2021 में इस कंपनी ने 1.26 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया। तो इनका जो प्रॉफिट ग्राफ है वो ऐसा बढ़ रहा है, तो ये कंपनी का जो प्रॉफिट रेशियो धीरे धीरे बढ़ रहा है। अगर हम क्वार्टर रिजल्ट्स की बात करें तो इस क्वार्टर का रिजल्ट यानी सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट इस कंपनी के लिए थोड़ा सा लॉस रहा है। सितंबर क्वार्टर में इस कंपनी ने एकदम नॉमिनल सा, मतलब नॉमिनल सा तो नहीं कह सकते, लेकिन 0.61 करोड़ का सितंबर क्वार्टर में इस कंपनी को लॉस हुआ। उससे पहले इस कंपनी को लगभग 0.15 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था और उससे पहले इस कंपनी ने जबरदस्त प्रॉफिट जनरेट करते हुए मार्च क्वार्टर में लगभग 2.15 करोड़ का जबरदस्त इसमें उन्होंने प्रॉफिट रेट किया था। तो दोस्तों देखिए, इस कंपनी को पता है कि प्रॉफिट कैसे जनरेट किया जाता है, क्योंकि हमने देखा है शेयर मार्केट में जो बड़ी बड़ी कंपनियां रहती है ना, बड़ी बड़ी कंपनी भी प्रॉफिट के लिए जूझती है, प्रॉफिट के लिए संघर्ष करती है। लेकिन ये छोटी कंपनी है, इसका मार्केट कैप की बात करें तो छोटा सा है, लेकिन ये कंपनी को पता है कि कैसे प्रॉफिट जनरेट किया जाता है। अगर हम इसके शेयर होल्डर पैटर्न की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे जो प्रमोटर होल्डिंग है 59.96 यानी कि 60% का यहाँ पे जो प्रमोटर होल्डिंग स्टेक इनके पास है, मतलब एक हैवी क्वांटिटी है प्रमोटर के पास। और बाकी यहाँ पे पब्लिक का लगभग 40% का हिस्सेदारी है। मतलब यहाँ पे जो प्रमोटर होल्डिंग एकदम सिंपल है, 60% प्रमोटर के पास है, 40% यहाँ पे पब्लिक के पास है। अगर हम इस कंपनी की ओवरऑल बात करते हैं तो देखिए दोस्तों,
पेनी स्टॉक है। पेनी स्टॉक में हमेशा आपको रिस्क देखने को मिलता है, लेकिन उन पेनी स्टॉक में भी कुछ ऐसे पेनी स्टॉक रहते हैं जिसमें रिस्क कम रहता है, जैसे कि ये जैन फार्मास्यूटिक लिमिटेड कंपनी। क्यों इसमें रिस्क कम, मैं बता रहा हूँ। पहला चीज़, ये कंपनी धीरे धीरे प्रॉफिट जनरेट कर रही है, इसका मैनेजमेंट ठीक है। ये कंपनी मैन्युफैक्चर जो फार्मास्यूटिक प्रोडक्ट है उसे बाइंग करती है और अपना कट निकाल कर सामने पार्टी को बेच देती है। सेकेंड, ये कंपनी के ऊपर ना डेप्ट नहीं है, ये कंपनी पूरी तरह से डेप्ट फ्री कंपनी है, जो कि एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इस फार्मा कंपनी के लिए। तो मेरा ओवरऑल ये रिकमेंड रहेगा कि आप इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में एटलीस्ट 50 क्वांटिटी 100 क्वांटिटी तो शामिल कर ही सकते हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों, इसी टाइप की कंपनी कल के दिन एक आपको बड़ा रिटर्न देती है। एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा कि जो दूसरे टाइप की पेनी स्टॉक रहती है ना, जिस कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज रहता है, जो कंपनी हज़ारों लाखों करोड़ का लॉस जनरेट करते हैं, तो आप ऐसे कंपनी में पैसा लगाने से अच्छे ऐसे कंपनी में पैसा लगाइए जहाँ पर एक आपको पैसा मल्टीप्लाई होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। क्योंकि ये जो कंपनियां रहती है ना, ये कंपनी का मैनेजमेंट ना बहुत स्ट्रांग रहता है। क्यों? क्योंकि देखो, ये छोटी कंपनी रहती है, एक छोटी कंपनी में जो मैनेजमेंट इनका जो वर्क डिवाइडेड रहता है ना, ये अपने पूरे शिद्दत से ये अपना फ़र्ज निभाते हैं कि हाँ, हमें इस बार इतना क्वार्टर, इस क्वार्टर में इतना सेल करना है, हमें यहाँ से माल परचेस करना है, हमें इस पार्टी को डिलीवर करना है। तो इनका जो थिंक टैंक रहता है ना, ये छोटी कंपनियों का साफ रहता है। ऐसी छोटी कंपनी ही आगे जाके आपको एक मल्टीबैगर के रूप में अच्छा खासा रिटर्न देती है।